नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इतिहास बोध हमारे इस YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं रिसर्च प्रपोजल के बारे में कि आप कैसे रिसर्च प्रपोजल को बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप एमफिल पीएचडी के लिए तैयारियां कर रहे हैं, एमफिल पीएचडी करना चाहते हैं, तो आप कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाएं, उसके पूरे फॉर्मेट के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेक्ट ए रिसर्च टॉपिक, पहले आपको एक रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप प्रपोजल बनाना चाहते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिस विषय में आपका इंटरेस्ट है, तो उस विषय से संबंधित आप क्या है एक टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। वो एक टेंटेटिव टॉपिक होगा आपका, वो बाद में चेंज भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टॉपिक सिलेक्ट करना है। फिर आप कैसे बनाएंगे रिसर्च प्रपोजल, पहले उसका एक टेंटेटिव एक आपको क्या है टाइटल देना पड़ेगा, आपको उसका टेंटेटिव वो टाइटल होगा। टाइटल के बाद आप क्या करेंगे, दूसरा जो होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने क्या देना है, जो आपका टॉपिक है, कोई भी आपने टॉपिक चुना है जो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, उसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे आप अपने टॉपिक को कि आपका टॉपिक क्या है, उसके बारे में आप उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन किसी चीज का क्या होता है, एक परिचय होता है, एक इंट्रोड्यूस करवाते हैं आप, जो आपका टॉपिक है उसको आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे इंट्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, दूसरा क्या होने वाला है, दूसरा लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू से ही आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो इफेक्टिव होगा, लिटरेचर रिव्यू। अब लिटरेचर रिव्यू के अंदर आप क्या डालेंगे, आप किसी बुक का क्या है अब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक आपने चूज किया है रिसर्च के लिए, प्रपोजल के लिए जो आपने चूज किया है, उस टॉपिक से रिलेटेड आप बुक्स को क्या है कंसल्ट करेंगे, उन बुक्स को पढ़ेंगे आप, और उन बुक्स से आप क्या है रिव्यू देंगे। ठीक है, इसमें आपने क्या देना होता है, उसमें आपने किताब के बारे में बताना होता है कि ये किताब मैंने पढ़ी है और इस किताब में मुझे क्या है मेरे रिसर्च से रिलेटेड सामान्य जानकारी मिली है और मैं उसको ब्रॉडर लेवल पे करना चाह रहा हूँ। साथ ही साथ आप उसमें जो रिसर्च क्या है रिसर्च गैप है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं हम लिटरेचर रिव्यू के अंदर। तो ये 7 से 8 बुक्स का क्या है लिटरेचर रिव्यू अपने प्रपोजल के अंदर दे सकते हैं। फिर दूसरी चीज होती है, एक लिमिटेशन भी होती है ना प्रपोजल की, अलग अलग यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी लिमिटेशन होती है, कईयों 1000 वर्ड्स में मांगती है, कई यूनिवर्सिटियां जो है 500 वर्ड में वर्ड लिमिट होता है, कईयों का 250 वर्ड लिमिट होता है, तो उस हिसाब से आपको क्या है गागर में सागर भरने का काम करना पड़ता है। फिर लिटरेचर रिव्यू के बाद आपका कौन सा आता है, लिटरेचर रिव्यू के बाद आप करते हैं नीड ऑफ स्टडी। नीड ऑफ स्टडी के अंदर आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस टॉपिक को स्टडी करने की क्या आवश्यकता है, आप इसमें क्या करना चाह रहे हैं, क्यों आप इस टॉपिक को स्टडी करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसमें आपको देना पड़ता है जो भी आपका टॉपिक होता है। नेक्स्ट जो आपका टाइटल रहता है वो रहता है स्कोप ऑफ द स्टडी, कि जो आपका स्टडी का जो मटेरियल है, जो आपका टॉपिक है रिसर्च, जो आपका टॉपिक है उसका क्या आपका क्या है स्कोप है, क्या स्कोप है भविष्य के लिए, क्या आउटपुट्स निकलेंगे उसके। ठीक है, और किस तरह वो बेनिफिशियल है सोसाइटी के लिए एंड सब्जेक्ट के लिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडीज, इसके अंदर आप बताएंगे कि जो हमारा रिसर्च प्रपोजल है हम इस रिसर्च प्रपोजल से ये ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आपके क्या है निम्नलिखित क्या है आपके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स की आप इसमें बात करते हैं, जैसे आप सोशल इन्वायरमेंट कोई भी टॉपिक आप लेते हैं, उस टॉपिक के आपको क्या है कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे आपके, आप इस टॉपिक को स्टडी कर रहे हो अगर, तो आपका क्या उद्देश्य है इस टॉपिक को स्टडी करने का, ऑब्जेक्टिव्स हो गया आपका। उसके बाद हमारा आता है हाइपोथेसिस, ये क्या होता है एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस होता है कि टॉपिक के बारे में एक आप अपनी क्या है राय बना लेते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर इस तरह से रिसर्च हो सकती है, ये आपका टेंटेटिव होता है। किसी मतलब किसी भी टॉपिक को लेकर एक आपका हाइपोथेसिस होता है जो आप पहले से निर्धारित कर लेते हैं, जैसे बात मान के चलो मैं किसी मूवमेंट को स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, कोई रीजनल मूवमेंट है, मैं उसको स्टडी कर रहा हूँ और मैं उसमें ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों के अंदर नेशनल कॉन्शियसनेस थी या नहीं थी, तो मैं एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस मान के चलता हूँ कि जो ये मूवमेंट हुआ, कोई भी मूवमेंट है, उस मूवमेंट में लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना थी। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा डेटा कलेक्शन करूंगा, उसके बाद डेटा कलेक्शन जब हमारा हो जाएगा उसके बाद फाइंड आउट होगा कि
आपकी जो हाइपोथेसिस है वो राइट थी या रॉन्ग थी। ठीक है, तो हाइपोथेसिस में आपने पढ़ा होगा दो तरह का एरर होता है, एरर वन एरर टू, तो हाइपोथेसिस हो गया। नेक्स्ट होता है रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथड्स आप कौन कौन से यूज करने वाले हैं अपने प्रपोजल के अंदर, तो वो टॉपिक के हिसाब से होता है, जिस हिसाब से आपका टॉपिक होगा। ठीक है, आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड लगेगा उसमें, आप इम्पीरिकल मेथड लगाओगे, क्वेश्चनियर केस स्टडी आपका होगा, है ना। और आप जो डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा जो आपका कलेक्ट होगा, सेकेंडरी सोर्सेज आपका एंड प्राइमरी सोर्सेज, वो सारा आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर आ जाएगा। तो इसमें आप टेक्निक्स के बारे में बताएंगे कि मैं, मेरा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर मैं रिसर्च प्रपोजल बना रहा हूँ, इसमें मेरी ये मेथोडोलॉजी लगेगी, इम्पेरिकल लगेगा या आपका फंडामेंटल लगेगा, है ना, वो आपके टॉपिक के हिसाब से डिसाइड होगा, तो मेथोडोलॉजी के अंदर ये आएगा। साथ ही साथ जो आपका सेकेंडरी सोर्सेज है एंड प्राइमरी सोर्सेज है, वो भी मेथोडोलॉजी के अंदर। फिर उसके बाद आता है आपका लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, कि जो आप स्टडी कर रहे हो, इसके स्टडी करने का दायरा कितना है, कितने रीजन को आप स्टडी कर रहे हो, आपका एरिया कितना वास्ट है, उसके ऊपर आप बात करने वाले हैं। लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक क्या लिमिटेशन है, तो इसके अंदर इसमें बात करेंगे आप। लास्ट में आपका क्या आता है, टेंटेटिव स्कीम ऑफ चैप्टराइजेशन। तो इसमें आपको देना पड़ता है कि रिसर्च प्रपोजल है, ये मेरा टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर जो मेरा ये चैप्टर बनने वाले हैं आगे, जो मैं लास्ट में पीएचडी करूंगा या एमफिल करूंगा, तो ये मेरे उसमें क्या है चैप्टर रहेंगे। तो आपको टेंटेटिव ये होता है, फाइनल नहीं होता है, बाद में ये हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया है आप उसके ऊपर ही रिसर्च करें, ऐसा जरूरी नहीं है। पर अगर आप अपना जो रिसर्च प्रपोजल है पहले से ही मतलब बना के चलेंगे, तो आप इसके ऊपर, आपके पास एक क्या है, एक हिसाब से रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है, पहले एक खाका होता है तैयार किया हुआ कि मेरा ये रिसर्च प्रपोजल है और मैं इसके ऊपर स्टडी करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें चैप्टराइजेशन में आपका इंट्रोडक्शन सेम रहेगा, दूसरे में आपका जो है लिटरेचर रिव्यू रहेगा, मेथोडोलॉजी आपका इसमें एक चैप्टराइजेशन बन जाएगा, बाकी आपका जो टॉपिक है टॉपिक के हिसाब से आपका चैप्टराइजेशन बन जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या होता है, रेफरेंसेस हमको देने पड़ते हैं कि जो हमारा जो रिसर्च प्रपोजल है, रिसर्च प्रपोजल का जो हमारा टेंटेटिव जो टॉपिक है उसके उसके लिए हम, हमारी जो रेफरेंसेस बुक है ये रहेगी। हमारा जो टॉपिक है इसमें आपको 25 से 30, 40 रेफरेंसेस बुक देनी पड़ती है, जो हमारा जो रिसर्च प्रपोजल है, जो हमारा टॉपिक है, वो इन बुक में मिलने की संभावना है, इन बुक में हमको मिल जाएगा। जो आप रेफरेंसेस के अंदर बुक डालेंगे, उन बुक से आप क्या है, रिसर्च प्रपोजल आपका जो है इफेक्टिव बनेगा। और रेफरेंसेस से साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि आपके पास जो डेटा है अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है। रेफरेंसेस आपको 30 से 35 देने पड़ेंगे। बात मान के चलो आप वुमेन्स के ऊपर स्टडी कर रहे हो, ठीक है, वुमेन्स के ऊपर आपने स्टडी करना है, वुमेन के ऊपर कोई टॉपिक है सोसाइटी के बारे में, ठीक है, उनका सोशल इम्पोर्टेंस क्या है, रिलीजियस इम्पोर्टेंस क्या है, उसके ऊपर आप क्या है रिसर्च प्रपोजल बना रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप वुमेन से रिलेटेड जो जो किताबें लिखी गई है उनको आप रेफरेंस के अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, वो रेफरेंसिंग स्टाइल किस तरह का होगा वो अलग अलग होता है, एपीए है, एमएलए है, वो सारा चीज, उसका आपको दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर अगर वीडियो बनाना होगा तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा टॉपिक काफी महत्वपूर्ण था उन छात्रों के लिए जो नेट जीआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं और आगे क्या है रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो उनको रिसर्च प्रपोजल बनाना है, कैसे वो रिसर्च प्रपोजल बनाए, वो कैसे टॉपिक सिलेक्ट करें, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया। ठीक है, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब जरूर करें।